बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 और इंटर परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड ने सिलेबस में कुछ चेंज किया है जो इस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है आपके सिलेबस में। तो एनसीईआरटी ने मुगल साम्राज्य का चैप्टर हटाया, ये जो मुगल साम्राज्य का चैप्टर है इसको हटा दिया गया, इसके जगह कौन सा चैप्टर है चलिए आपको बताते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको एनसीईआरटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ने 12वीं के कई विषयों के सिलेबस में बदलाव किया है। 11वीं और 10वीं में भी क्या है आगे आपको बताएंगे। तो इसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के विषय के सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। और बात करें तो इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर है इसको हटा दिया गया है और इसके जगह पे दूसरा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय, ये चैप्टर को हटा दिया गया है। और एक दल के प्रभुत्व का दौर हटा दिया गया, इसमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में जो आप पढ़ते थे इन सभी को हटा दिया गया, ठीक है। भारतीय जनसंघ आदि को पढ़ाया जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए सिलेबस में यह बदलाव देश भर के उन सभी स्कूलों में लागू होगा जहाँ एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा है। यह बदलाव सत्र देख लीजिए 2023-24 से ही लागू हो जाएगा, ठीक है। इसी सत्र से यह बदलाव लागू है। तो 12वीं के साथ साथ 10वीं और 11वीं की बुक से भी कई चैप्टर हटाए गए हैं। तो 10वीं क्लास में और 11वीं क्लास में भी कुछ चैप्टर को हटाया गया है। तो 10वीं की अगर बात करेंगे तो 10वीं के बुक से लोकतांत्रिक राजनीति जो है, राजनीति 2 से लोकतांत्रिक और विविधता, ये वाला चैप्टर को हटा दिया गया। लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे चैप्टर को हटा दिया गया। तो ये सभी चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नया बुक में नया चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।